सर अभी आपका नया वेब सीरीज आया है तो हम सबको पता है कि इस सीरीज में हम सब बेकरार है जानने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या खास होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, क्या ये सीरीज किसी पार्टी से रिलेटेड है या कुछ नया है इसमें, हम सब जानना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये जो सिटी ऑफ ड्रीम्स है पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे डेफिनेटली है, लेकिन ये किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। अगर किसी पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ है तो इसकी सक्सेस पार्टी से I really like that. तो ये कॉन्सिडेंस है कि पॉलिटिकल एटमोसफियर में ये रिलीज हो रही है, और ये भी डिसीजन मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म वाले जो लोग हैं बड़े होशियार लोग हैं जिन्होंने ये डेफिनेटली सोचा कि इसको अभी हम लोग रिलीज करेंगे और वेट करेंगे ताकि हम इसे इलेक्शन के टाइम पे जो है रिलीज कर सकें। मेरे आई एज्यूम दैट इट इज़ लाइक दिस बिकॉज इसकी लास्ट शूटिंग जो हमने की थी, जो मुझे अभी याद दिलाया प्रिया ने, 3 मई पिछले साल लास्ट डे ऑफ द शूट। तो उसके बाद पूरा एक साल लगा। नेचुरली 10 एपिसोड हैं तो एडिटिंग में टाइम लगता है, पोस्ट प्रोडक्शन की काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं प्लेटफॉर्म के जो मीट करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें करने में वक्त तो लगता ही, लेकिन साथ साथ एक जब इट इज़ डिस्टाइंड टू कम एट सर्टन टाइम, तो वैसा ये डिस्टाइंड हुआ था या हुआ है और राइट टाइम ही हुआ है मैं समझता हूँ, और काफ़ी चीज़ें जुड़ती हुई आई और लोगों को कुछ ऐसा प्रिज्यूम कर लिया कि भाई इनके जैसा ही है क्या या उनके जैसा ही है क्या। मैं समझता हूँ ये नगेश कुकुनर जैसा है, ये नगेश जो है ना वो कभी भी ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करके या इन चीज़ों को टारगेट करके कभी भी कोई चीज़ क्रिएशन नहीं करता, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आदमी है और अपना काम अच्छी तरह जानता है, और जो आदमी अपना काम अच्छी तरह जानता है उसको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्कैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको पॉपुलर करने की।